प्रदेश कैबिनेट में वन एवं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार ने रविवार को कलेक्ट्रेट में जिला योजना समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बैठक में अधिकारियों के प्रेजेंटेशन पर कहा कि उन्हें आंकड़ेबाजी नहीं धरातल पर विकास कार्यों में गति चाहिए। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उन्हें जिला प्रशासन अपने स्तर पर जन प्रतिनिधियों की मदद से निपटाएं और अनापत्ति जैसी समस्याओं के लिए वह खुद व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि लोगों की बुनियादी समस्याएं सड़क पानी और बिजली जैसे मामलों को प्राथमिकता से हल किया जाए। हाल ही में अमृत योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में गिरकर युवक की मौत के बारे में उन्होंने अफसोस जताया और कहा कि संबंधित ठेकेदार अथवा कंपनी के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। साथ ही आरओबी पुल से गिरने पर एक मजदूर की मौत के मामले में भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी ये पहली बैठक है, अभी उन्होंने यहाँ की समस्याओं के बारे में जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली है, अगली बैठक में उसके निराकरण और शहर के भ्रमण के लिए भी निकलेंगे। प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार ने कहा कि विकास के मुद्दों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा, तभी ग्वालियर को अग्रणी शहरों की श्रेणी में शामिल किया जा सकेगा। इसके लिए व्यक्तिगत हित छोड़ना होगा। किसानों की कर्ज माफी और सहकारिता क्षेत्र में हुए घोटाले के मामले में प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं जबकि कुछ लोगों के खिलाफ और मामले दर्ज होंगे। किसान ऋण माफी के मामलों में भी गति लाने की कोशिश सरकार की प्राथमिकता में है। वहीं भाजपा के विधायक ने किसान ऋण माफी के मामले में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात करने वाली कमलनाथ सरकार ने अभी तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है, उनसे तरह तरह के फार्म भरवाए जा रहे हैं। देखिए, जो कार्य रुके हुए थे, अधूरे पड़े थे, वो जिले की प्राथमिकता है। चाहे जिले की सड़कों की आवश्यकता है, जहाँ गड्ढे हो रहे, सड़कें खराब हो रही, वो आवश्यकता है, उसके लिए निर्देश दिए गए कि समय सीमा पे सड़कें दुरुस्त की जाए। और जो और भी जो बाकी सड़कें हैं, अगर उस ठेकेदार समय पे काम नहीं कर रहे हैं तो उनको तत्काल नोटिस दिए जाए। इस प्रकार चूँकि पहली बैठक थी, समीक्षा बैठक थी यहाँ के जिले के विकास कार्यों की, और सभी माननीय सदस्यों ने इसमें अपने अपने सुझाव दिए, उसको अब अगली बैठक में रिप्रेजेंटेशन भी दिया। जिला प्रशासन ने क्या बताया, प्राथमिकता है, सड़कों की हालत बड़ी खराब है, हर साल पानी की दिक्कत आती है, चंबल से पानी नहीं आ पा रहा। देखिए, जो उसके लिए योजना है, जो उसके लिए NOC चाहिए डिपार्टमेंट की, तो उस NOC की बात हुई है, सबको तत्काल के भाई उसके NOC सुनिश्चित करें, उस बारे में बात हुई। जिला योजना समिति में आज कर्ज ऋण माफी की समीक्षा थी, तो चूंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं आया कि कितने किसानों के ऋण माफ़ हुए, अभी तक यही क्लियर नहीं हुआ कि कितने किसान इसमें ऋण माफ़ी योजना में आ रहे हैं और कितने शेष रह रहे हैं। चूंकि मैंने भी ये विषय उठाया कि तीन प्रकार के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो निश्चित रूप से लोग उसमें उन फार्मों पर शंका जाहिर कर रहे हैं, कहीं सफ़ेद फार्म भरा जा रहा है, कहीं नीला भरा जा रहा है, कहीं हरा भरा जा रहा है। चूंकि अगर ऋण माफ़ी की ऐसी बात है, अगर ऋण माफ़ी अगर करना है सरकार की ठीक नीयत है, तो बैंक से वेरिफिकेशन करा लें और जो भी 2 लाख के बिल, जो 2 लाख का ऋण माफ़ करने की बात करी है, उसको आराम से कर सकते हैं। मुझे ऐसा उस बैठक के माध्यम से महसूस हुआ कि सिर्फ जो चुनाव तक ऐसे ही नीले पीले फार्म भर के टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए किसानों का आज कोई ऋण माफ़ नहीं हुआ है। एक सिंगल किसान का नाम नहीं आया कि इसका इतने का ऋण माफ़ हुआ है।